हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस की युवाओं का अपमान नहीं सहेगी कांग्रेस युवा रैली के मंच पर मुख्यमंत्री के आने से पूर्व वक्ताओं ने अपने ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जमकर जहर उगला। वहीं मंच पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के अलावा अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मंच से निष्कासित कांग्रेसी नेत्री के भाषण को सुनकर सन्न रह गए, जिस पर बीच में ही भाषण को रुकवाना पड़ा। युवा कांग्रेस की रैली के दौरान कांग्रेस से निष्कासित भोरन से नेत्री प्रोमिला देवी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि मैं कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता हूं और ऐसे ही कोई भी मुझे पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकता है। प्रोमिला ने कहा कि सुक्खू के बाप दादा की विरासत नहीं है जिससे कि वह मुझे कांग्रेस से बाहर निकाल दें। खुशी का दिन है के अभिषेक राणा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमरिंदर राजा जी उनको बुलाया है और आदरणीय राणा जी आपके अथक प्रयास से जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो सिर ऊंचा करके जिला हमीरपुर में जी रहे हैं, इसका श्रेय आपको जाता है। हम किसी का नाम लिए बगैर ये बात जरूर बोलना चाहेंगे क्योंकि ऐसे लोग हमारी कांग्रेस पार्टी में हैं जिनके पदों पर रहने पे पांच पांच चुनाव कांग्रेस पार्टी हारने के बाद वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन भाई राजेंद्र राणा जी, आप कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं और आप यूं ही कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते जाइए, हम आपके साथ हैं। इसे बाहर निकालेंगे और हम खुद इस कांग्रेस पार्टी का बीड़ा उठा के रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम जब पार्लियामेंट के चुनाव की बात आएगी और किसी अच्छे कैंडिडेट को जो है वो पार्टी टिकट देगी, हमारा भले निष्कासन, लेकिन हम अभी निष्कासित अपने आप को नहीं मान रहे हैं। मैं सुखू जी को आज भी इस मंच से कह देना चाहती हूँ कि मुझे 100 कॉज नोटिस दे, एक बार 100 का बिना 100 कॉज नोटिस दिए किसी को कांग्रेस पार्टी से बाहर आप नहीं कर सकते हैं। ये किसी के बाप या दादा की जद्दी नहीं है कि किसी को काम से पकड़ के आप बाहर कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान से रखें और कांग्रेस पार्टी के उत्थान की और कांग्रेस पार्टी के बढ़ोतरी की आप बात करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। सुखू भाई, हम आपके कोई विरोधी नहीं है, लेकिन आप विरोधाभास में खुद पढ़ रहे हैं। जिस कैंडिडेट को पार्टी 8 या 10 महीने पहले टिकट दे रही है, बाद में आप उसी को निष्कासित कर रही है, कहां का न्याय है? उसका आप टिकट भी काट रहे हैं, टिकट तो क्या देना था? 15 हारी हुई सीटों पे आप टिकट दे रहे हैं और जब आपसे माननीय राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि कितनी सीटों पे आपने जीत दिलाई, तो आप अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हैं, जो आपकी जिम्मेवारी बनती है। हम जैसे लोगों के ऊपर नजर गिरा रहे हैं और हम जैसे लोगों को बाहर की बात कर रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात। गौरतलब है कि भोरंज में इन विधानसभा चुनावों में अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने की एबस में कांग्रेस हाईकमान ने प्रोमिला देवी को 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। प्रोमिला देवी ने भोरंज उपचुनावों में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था और अनिल धीमान से हार गई थी। वहीं हैरानी वाली बात है कि निष्कासित होने के बावजूद भी इस तरह युवा कांग्रेस की रैली में पहुंचने पर मंच से प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू के खिलाफ अपमानित करने वाला भाषण दिए जाने की हर ओर चर्चा बन रही है।